देखते हैं। तो आज मैं चने को कुकर में कैसे पकाते हैं वो दिखाऊंगी। और ये देखिए जीरा है, जीरा मैंने फ्राई कर लिया है। और ये इसमें ये प्याज वाले जो चने होते हैं वो आपको कैसे बनाने हैं कुकर में मैं दिखाती हूँ। तो ये ऐसे रख दिया और पहले मैंने इसमें डाला प्याज, प्याज डाल दिया, ये गया प्याज, ये एक प्याज है, एक डेढ़ प्याज है, डेढ़ प्याज डाल दिया। और मिर्ची भी डाल देंगे, हरी मिर्ची। तेज आंच पर इसको थोड़ा फ्राई करेंगे। हल्का सा जैसे ही गोल्डन ब्राउन होगा, जैसे हल्का सा जैसे पकेगा तो इसमें हम चना डाल देंगे और नमक डाल देंगे। तो इसका जो पानी है इसको निकाल देंगे। देखिए हमारा प्याज कलर चेंज हो गया है, हल्का सा गोल्डन कलर हो गया है। तो देखिए गोल्डन कलर का हो गया है। अब इसको हम लोग इसमें हम चने डाल देंगे, जो कि हमने जो भीगे वाला पानी को निकाल दिया और न्यू वाटर से वॉश कर लिया है। अब ये जाएगा इसके अंदर। अब इसको हम चला लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, कलरफुल, कितना प्यारा लग रहा है। अब इसमें बस हम थोड़ा सा नमक डालेंगे और हल्का सा पानी डाल के इसको सीटी लगाएंगे। ये गया नमक, ये है पिंक सॉल्ट, पिंक सॉल्ट, पिंक सॉल्ट गया। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि बस इसमें ऐसे हल्का सा बस मॉइस्चर रहे, नहीं तो अगर ज़्यादा पानी डालें तो वो उबल जाएंगे। और सीटी लगा लेंगे। यस, और एक सीटी आने तक ताकि ये अच्छे से अंदर का चना पक जाए। दिखाती हूँ आपको पकने के बाद। बंद कर देंगे और अब इसको खोल के दिखाते हैं कैसा बना। तो चलिए इसका प्रेशर अब निकल गया है, अब चेक करते हैं कि हमारे चने पके कि नहीं। लेट्स गो चेक। ये देखिए हमारे चने पक गए हैं। अब इसको हम लोग ऐसे खाएंगे, बड़ा अच्छा लगता है खाने में। ये बॉइल्ड हो गया है अच्छा सा, हेल्दी होता है। इसमें नमक मिर्ची और प्याज से बस बनाया गया है और कुछ भी नहीं, और जीरा पड़ा है थोड़ा सा और कुछ भी नहीं पड़ा। बहुत ही हेल्दी लगता है खाने में। देखते हैं इनको पसंद आता है कि नहीं। चल रहे हैं कमरे के अंदर, फिर देखते हैं क्या करते हैं। एक में से एक।